that, तो अब इसमें एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है, कौन सी? तो उसको अंदर भेज देते हैं, पाई बाय थ्री टू एच स्क्वायर आर माइनस एच क्यू, और अब दो बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, ई वी बाई ई एच, पाई बाय थ्री कॉन्स्टेंट से बाहर ही रह गया। अब बताइए एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एच, तो टू टू नहीं फोर एच आर, आर भी कॉन्स्टेंट है टू भी कॉन्स्टेंट है, बाहर हुआ एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ टू एच, क्या एच क्यू का बोलिए, एक बार और डिफरेंशिएट कर लीजिए इनटू भी एच स्क्वायर, फिर यह बाहर रहेगा कॉन्स्टेंट है और इसमें अब एच क्या हो गया वन, फोर आर माइनस सिक्स एच, ठीक है। अब क्या करेंगे, फोर मैक्सिमा और मिनिमा क्या करते हैं, डीवी बाई बराबर जीरो, तो डीवी बाई टी एच बराबर जीरो, तो ये तो कॉन्स्टेंट है, इसमें जब जीरो पुट करेंगे तो ये उधर जाकर क्या बच गया, फोर एच आर माइनस थ्री एच स्क्वायर बराबर, अब इसमें से एच कॉमन हो रहा है बराबर, लेकिन यह एच जीरो नहीं हो सकता है, तो अगर एच जीरो हुआ तो यह शंकु शंकु रहे करेंगे, हाइट जो जीरो हो तो रह गया पेंदी में, क्या एच जीरो हो सकता है, नहीं होगा, तो कौन फैक्टर जीरो होगा, इसलिए फोर आर माइनस थ्री एच बराबर एच का मान बताइए, फोर आर बाई एच का मान निकल गया, और इसी मान पर डबल डेरिवेटिव को जांचेंगे, एच एच बराबर फोर आर बाई थ्री डबल डेरिवेटिव इंटू भी बाई थ्री एच स्क्वायर, बताइए आई बाई थ्री तो बाहर है, अंदर कितना है, फोर आर माइनस सिक्स गुना एच का मान फोर आर बाई थ्री, तीन से यह कट गया, कितना हुआ आठ आर, फोर आर में से आठ आर गया माइनस, अब बताइए क्या आया, निगेटिव है।